वाराणसी के मीरघाट दशाश्वमेध क्षेत्र में सपा नेता विजय यादव पर जानलेवा हमला हुआ। बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, जिसमें एक महिला सहित तीन लोग घायल हो गए। हमले के दौरान एक बदमाश को पिस्टल समेत पकड़ लिया गया, जबकि तीन अन्य फरार होने में सफल रहे। घटना का मुख्य उद्देश्य विजय यादव को निशाना बनाना था। फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया। पकड़े गए बदमाशों से पुलिस पूछताछ कर रही है और अन्य फरार बदमाशों की तलाश जारी है। इस हमले से स्थानीय लोगों में भय और आक्रोश है। क्या है पूरा मामला? रविवार को मीरघाट में दिन दहाड़े हथियार बंद बदमाशों ने सपा नेता के घर फायरिंग कर दी। बदमाशों ने घर के बाहर ताबड़तोड़ कई राउंड फायरिंग की, जिसमें एक महिला और मासूम सहित तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। श्री काशी विश्वनाथ परिक्षेत्र में फायरिंग से हड़कंप मच गया। वारदात को अंजाम देकर हमलावर गंगा घाट के रास्ते फरार हो गए। सूचना पाकर पहुंची पुलिस घायलों को अस्पताल ले गई। घायल महिला की हालत गंभीर है, वहीं मौके पर जांच में जुट गई पुलिस और पूर्व पार्षद पर हमले के बाद बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। रविवार दोपहर मीरघाट के पूर्व पार्षद और सपा नेता विजय यादव के आवास पर 18 से 20 हथियारबंद हमलावर पहुंच गए। हमलावरों ने गालियां देते हुए पहले पथराव किया, विजय यादव को बाहर निकलने के लिए ललकारा। हमलावरों ने घर के बाहर आई महिला को गालियां देकर भगाने का प्रयास किया। इसके बाद दोनों ओर से गाली गलौज होने लगा। हमलावरों ने तमंचा और बंदूक से फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान कई राउंड फायरिंग से मोहल्ले में दहशत फैल गई। इस घटना ने क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि दोषियों को जल्द ही गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाएगी। वाराणसी से खुशरंगी ना के 26 तारीख दर्शन करे गोविना सहिला अंकित यादव शोभित अंकित यादव। आज क्या घटना घटी है? आज तक पूरा घर में घुस के पूरी घर 6 साल के बच्चा हमार पोता 5 बजे भोर में आयल लखनऊ से। हमरे बच्चा के गोली लगल, हमरे देरानी के गोली लगल, हमरे गोली लगल, हमरे देवर के लगल, हमरे बेटवा के वह कान फट गल। पिस्टल हम छीन ली हाथे से, हमरे माथे में भोक दिले है। गोली चलाने वाला कौन था? वह महिला ये सब पहले के एंगल सब लगा हुआ है। ये सब इसका तो अंकित यादव दुकान के हमरे दूध बेचत रहल साहिना रहल की 302 के मुलजिम निकाल देली तो बदला ले लस। अंकित यादव ये देखिए कितना दिन से हम लोग कार्रवाई नहीं, 5 दिन से लखनऊ दुकान पर से जो हटेले रही रोजगार के लेके। Thank you.